जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना तो चीजें अपने आप अच्छी बदल जाती है। पता ही नहीं था कि हम में डायरेक्शन, स्क्रिप्टिंग ये वाला भी टैलेंट है, माइंड में है पिक्चर, लेकिन एडिटर को कैसे बताएं। पायल रो रही है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे वॉशरूम क्राइंग। क्रिएटिव फील्ड में क्रिएटिव पीपल की क्रिएटिविटी कब चले। कुछ लोग होते थे जैसे कभी कभी बोल दिया लेकिन व्यूज तो नहीं आ रहे, जैसे रिलेटर्स होते हैं ना कि हाँ बेटा व्यूज तो नहीं आ रहे, पैसे तो नहीं आ रहे। पायल वॉज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई वॉज अ वास्तु कंसल्टेंट। अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो काम आता है। कभी कभी कुछ गलत हो रहा होता है ना तो उसमें भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। हमें लॉस भी हुआ, हमारे सिक्योरिटी मनी गई। एंड हाउ मच वाज इट? इट वाज 3 लाख। ओह माय गॉड। एंड हमारा 2 मंथ का रेंट भी गया। हम शूट पे लड़ रहे हैं ऐसे। लोगों को कैसा लग रहा होगा? आई होप आप लोगों ने एक दूसरे के बाल नोच की लड़ाई नहीं की। हमारी ना ऐसी वाली लड़ाई नहीं होती है। द यंगर वंस आर स्कैरी। ये अपनी आईज से ऐसे देखते हैं, मैं तो आंखों से भी नहीं देख सकती हूँ, वो बाहर निकाल देगी। वैसे भी छोटे भाई बहन को बेइज्जती झेलने की आदत होती है। सोशलाइज मैं हूं निहारिका। हर थर्सडे 8 बजे हम आपको मिलाते हैं एक शानदार कंटेंट क्रिएटर से। आज हमारे सेट पर हैं दो बहनें। वो कई बार आपको हंसाती हैं, कई बार रुलाती भी हैं और अपनी मजेदार बॉन्डिंग से आपको जेलस भी फील कराती होंगी। वेलकम ऑन द सेट्स ऑफ सोशलाइज, वी हैव पायल एंड वी हैव टीना। वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। कैसा फील कर रहे हो आप? हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आपसे मिलके, एंड स्पेशली दिस आउटडोर सेटिंग इज अमेजिंग। यार मुझे बहुत खुशी होती है ना जब लोग मेरे से कहते हैं ये सेटिंग बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यूज हमने ना ऐसे क्लोज सेट्स में होते हैं। एग्जैक्टली, हमने भी आज तक क्लोज सेट में किया है, सो मजा आ रहा है। फाउंटेन की आवाज भी आ रही है। अच्छा, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या खा के आपने आज दिन की शुरुआत की? आई एट नमक मिर्च अजवाइन का पराठा और साथ में चाय एंड हरी चटनी कोरिएंडर वाली। I had one आलू पराठा एंड चाय। क्या बात है, मतलब देख लो इन लोगों के एक ही घर में इनको वैरायटी मिली है। हमारे वहाँ होता है एक चीज बन गई है, खाना है खाओ, वरना देख लो अपना। तो सबसे पहले ये बताओ, हमेशा ब्यूटीफुल लगते रहने के लिए कितनी मेहनत लगती है? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अच्छा खाओ लगती है। सो वी टू हैव डाइटिशियन आल्सो, वर्कआउट, तो मतलब डाइट ऐसा है कि नॉर्मल घर का खाना खाना, बाहर का थोड़ा कम, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एवोकाडो या फैंसी चीजें खानी है। जो फैंसी आजकल मार्केट में आ गया है, ऑल ऑफ दैट वीगन ग्लूटेन फ्री, वो सब नहीं करना है। नॉर्मल घर का खाना खाना है, तो यू कैन मेंटेन। And gymming, working out, thoda. Do you go to gym every day? I want to know that. She is very regular. I would say I am not that regular, but yes, I do work out. Kitna? Matlab, how many times a week? Pehle to I was going like 7, but abhi thoda kam ho gaya hai yaar. Oh my god, 7 days? Yeah. That's amazing. अच्छा एक बात बताइए, now you have like immense number of followers, इतने सारे लोग हैं जो बहुत सारा प्यार देते हैं। Famous होने के बाद एक ऐसी चीज जो बदल गई आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत ज्यादा ऐसे विजिबली फील हुई? आई थिंक पब्लिक अटेंशन डेफिनेटली वो चेंज हुई है फेमस होने के बाद, क्योंकि अब हम कहीं भी जाते हैं, हम अपने घर से बाहर कदम रखते ही हैं, तो वो पब्लिक अटेंशन हमें मिलता है चाहे हम कहीं भी जाए, जो कि ऑब्वियसली पहले नहीं था। नाउ तो वेयर एवर वी गो, हमारे पेरेंट्स हमेशा जब हम घर से बाहर जाते हैं हमसे पूछते हैं आज कौन मिला, क्योंकि उनको पता है कि लोग मिलते ही मिलते हैं। Sometimes we are in car and we're driving and अचानक से कोई आके हमें ऐसे लगे कोई कौन है यार, then we are your fans. तो ऐसी चीजें होती हैं। In fact घर के पास भी कोई पहचान जाता है, आप यही रहते हो, आप मेरे घर के पास रहते हो, मैं भी यही रहता हूँ, तो ऐसी ऐसी चीजें भी हो जाती है। Do you remember कोई ऐसा fan moment, especially parents के साथ? क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को सबसे ज्यादा वैलिडेटेड और सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है ना जब पेरेंट्स के सामने बोलते हैं अरे अरे आई सॉ यू, मैंने आपका वीडियो देखा था, ऐसा कुछ हुआ था। डू यू रिमेम्बर ऐसा कोई मोमेंट? तो हम जब एक बार ही पेरेंट्स के साथ किसी जागरण सॉर्ट ऑफ थिंग में गए थे, एंड वहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ पीपल, तो वो हमें पहचान रहे हैं एंड हमारे पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, हमारी मम्मी खुश हो रही है, हम यहाँ खा भी नहीं पा रहे हैं। शी इज लाइक यस आओ फोटो कराओ इनके साथ, एक सेकंड पैसे भी चढ़ाते हैं ना, हम पैसे चढ़ाकर आ ही रहे थे, इतने में भीड़ हमारी तरफ भागती हुई आई, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स आंटीज एंड बच्चे, एंड वी लाइक
ये क्या हो गया अचानक से, एंड मम्मी पापा दूर से देख रहे हैं, हम कह रहे हैं आ रहे हैं एंड देन जब हम कुछ खा रहे हैं देर लाइक फोटो क्लिक करा लो, मम्मी इज लाइक अरे वो भी वेट कर रहा है उसके साथ भी क्लिक करा ले, तो ऐसी चीज है कि मम्मी यार हम भी आपके बच्चे हैं, बट दे आर हैप्पी एंड वेरी प्राउड. बट डू यू थिंक कि बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कॉन्टेंट यू क्रिएट, कि आपके जैसे हम लोग जनरली देखते हैं ना कि डेमोग्राफी क्या है, कंटेंट कितने एज से कितने एज के लोग देख रहे हैं, यू हैव अ वास्ट ऑडियंस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंजीज हैं या सिर्फ मिलेनियल्स हैं, आपका कंटेंट हो सकता है मैं भी देखूं, मेरी छोटी बहन भी देखे और मेरी मम्मी भी देखे, एग्जैक्टली, एंड आपकी दादी भी देखे. क्योंकि मैरिजेस में भी जाते हैं ना तो वहां पे फैमिलीज पकड़ लेती हैं. अभी हम रिसेंटली एक मैरिज में गए थे एंड तो बच्चे भी आ रहे हैं छोटे, एंड कोई न्यूली न्यू बॉर्न बेबी के साथ भी आ रहे हैं कि ये भी देखते हैं आपकी, एंड कोई दादी भी आ रही है कि हम फैन है आपके, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं. तो हर एज ग्रुप अंकल्स आर आल्सो कमिंग टू अस एंड सेइंग कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी अंकल्स गर्ल्स एंड ग्रुप बनाकर आ रहे हैं. सो पापा इज लाइक क्लिकिंग वीडियोस एंड हम लाइक अरे पापा हम आ रहे हैं अभी गोलगप्पे खाते हैं आपके साथ एक फोटो. क्या बात है. तो ये YouTube का मतलब ये कीड़ा कब काटा, ये कब आया दिमाग में कि यार सुनो YouTube करते हैं, बाकी सारी चीजें बकवास हैं, बहुत इधर उधर बुद्धि मारने की जरूरत नहीं है, लेट्स जस्ट इन्वेस्ट अवर एनर्जी एंड अवर सेविंग्स ऑब्वियसली, क्योंकि स्टार्ट करते हैं तो इंसान जो कुछ भी बचा कुचा पैसा पॉकेट मनी एवरीथिंग होता है सोचता है या तो फोन या तो कैमरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर दिस एंड दैट. हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? So we started as actors on YouTube in 2018. Yeah, in 2018. तो तब मुझे किसी यूट्यूबर ने कॉन्टैक्ट किया था कि डू यू वॉन्ट एक्ट, एंड उस टाइम पे मैं ऐसे दूसरी ऑडिशंस वगैरह ये सब भी चीजें करती रहती थी. आई वॉज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, साइड बाई साइड आई वॉज डूइंग न्यूमरोलॉजी फॉर मनी. तो मैंने टीना को बोला यार करके देख लेते हैं एक्टिंग करने में. अब जो अकेले तो नहीं जा सकती थी ना, ही कॉल्ड मी बट आई वाज लाइक कि मेरी सिस्टर भी आएगी साथ में, क्योंकि हमें नहीं पता था यूट्यूब हम देखते भी नहीं थे. नो आइडिया अबाउट यू, हमें आइडिया नहीं था किसका क्या चैनल है कौन है हम, क्योंकि देखते नहीं थे. तो तब से हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ, हम फर्स्ट शूट पर गए एंड हमें पैसे वैसे भी कुछ नहीं मिले थे बट वी लाइक्ड इट. So that's how we started as actors. And then 2019 में मैंने किसी और यूट्यूबर के साथ एक मतलब अपना चैनल बनाकर, आई वॉज द प्रोड्यूसर एंड उसका चैनल था. सो हम लोगों ने साथ में कॉन्टेंट बनाना स्टार्ट किया. हम लोगों ने डिसाइड किया कि अच्छा कॉन्टेंट बनाएंगे, वेब सीरीज टाइप सॉर्ट ऑफ. हाँ बट वो चला नहीं. अच्छा वो बिल्कुल नहीं चला, वो एकदम फ्लॉप हो गया. तब ऐसा हुआ आई वॉज डिप्रेस्ड कि पैसे मेरे नहीं थे, वो पेरेंट्स के पैसे थे, तो सारी इन्वेस्टमेंट उसमें लग गई. मतलब काफी लॉस हो गया उसने. आई वाज सिटिंग अलोन इन द पार्क रात के 2 बजे बैठी हुई हूँ क्योंकि वो चैनल बंद हो गया. अब क्या करूँ लाइफ में, आगे मुंबई जाऊँ, स्ट्रगल करो, ऑडिशंस दो, एंड मीनवाइल आई वाज वर्किंग विद अदर यूट्यूबर्स ओके एज एक्टर ओनली. तो फिर पायल के मन में ऐसा थॉट आया क्रेजी गट फीलिंग होता है ना कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं. आई वाज लाइक यार ये भी तो अपना ही था. हाँ. एक और चैनल फिर से लॉस हो गया. ऐसे डिस्कस किया मम्मी पापा से तो उन्होंने कहा या व्हाई नॉट कर लो. तो मैंने बोला पापा अगर ये फ्लॉप हो गया तो फिर क्या करूंगी मैं. हाँ. तो मम्मी पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, दुकान थोड़ी ना है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लगे जा रही है, छोड़ देना कुछ और करना लेकिन करो तो सही. तो दे वर लाइक कि दोनों बहनें साथ में करो. So in 2020 we started our channel. Lockdown ke baad? Lockdown ke baad. Achha. In August. Haan. So we started and hum logon ne 2-3 cheeze decide ki hui thi ki yaar views ke peeche nahi bhagna. Kyunki isse pehle bahut kar liya wo sab. And kuch bhi ye trending topics hote hain na jo chal rahe hote hain YouTube pe wo nahi karna hai. Wo karna hai jis topic pe hume khushi mile. Also jab ki start kiya to Payal to kafi hi dark zone se nikli thi to mera bhi focus tha ki yaar jisme dil ko actually khushi mile na wo karna hai. To wo pura hamara rehta tha dhyan. कोई भी टॉपिक अगर हम बना रहे हैं तो पायल तुझे खुशी मिल रही है इसको बनाने में तो हम यही बनाएंगे, कुछ भी और मत सोच तू. एंड पता है हमने रिजल्ट के बारे में सोचा नहीं. हमने पूरा एक साल
विदाउट व्यूज, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, मनी और एनीथिंग, हम डालते गए. मतलब मुझे याद भी नहीं है कोई ऐसा पल कि हमने आपस में भी बात की कि यार व्यूज नहीं आ रहे या कुछ, या कब चलेगा. और शुरू से हमें तारीफ मिलती थी फॉर आवर क्वालिटी, आवर कंटेंट, एवरीथिंग. बट हाँ, कुछ लोग होते थे जैसे कभी कभी बोल दिया लेकिन व्यूज तो नहीं आ रहे. जैसे रिलेटर्स होते हैं ना कि हाँ बेटा तुम कर तो रहे हो लेकिन व्यूज तो नहीं आ रहे, पैसे तो नहीं आ रहे. बट ये है कि हम लोगों ने उस चीज को दिल पे आने ही नहीं दिया क्योंकि हमें इतनी खुशी मिल रही थी अपना काम करके. तो दैट वाज आवर सोल. तो हम लोगों ने बस उस पे फोकस किया. आप क्या बोल रहे हैं भाई रिलेटिव्स? अब तो हमारी मसाले भी जाती हैं. पता है क्या बोलते हैं, देयर लाइक यार अब तुम्हारी वीडियोस ना अच्छी लगती हैं. पहले पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती थी, वीडियोस अभी भी वही हैं. इट्स जस्ट जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना तो चीजें अपने आप अच्छी बदल जाती है. एग्जैक्टली. अच्छा, क्योंकि आप इतना कंटेंट डालते हो और आपका सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं है, आप लोग 20-25-30-30 मिनट के वीडियोस डालते हो जिनका पूरा प्रोडक्शन आपके पास है, जिनकी स्क्रिप्टिंग है, थॉट प्रोसेस, कैमरे पे कैसे दिखेगा, ऑल ऑफ इट. सो हाउ डू यू प्लान योर कंटेंट? सबसे पहले तो ये होता है कि क्या बनाना है टाइप से. वी थिंक अबाउट द पॉइंटर्स. उसमें हमें स्क्रिप्टिंग में सबसे ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है. तो स्क्रिप्ट करने में ही हमें 15-20 दिन लग जाते हैं. हम लोग नोट करते रहते हैं चीज़ें रियल लाइफ में ही जो होती हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, या कुछ ऐसा पॉइंट आया माइंड में कि यार ये बहुत फनी है तो लिख लिया इसको तुरंत. कि जब हम स्क्रिप्टिंग करेंगे तो फिर ये उसमें डाल देंगे. तो ये चीज़ें हम ज़रूर करते हैं क्योंकि ऑडियंस को ना ये बहुत पसंद आता है कि यार आप लोगों के ना इतनी ज़्यादा इतना ऑब्जर्व कैसे करते हो, रिलेटेबल है, इतना रिलेटेबल कैसे, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने तो बिल्कुल मेरी लाइफ डिपिक्ट कर. तो हम लोग ये जो स्क्रिप्ट के बीच में होता है ना जो मसाला, वो रियल लाइफ वाला. आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे बहुत पसंद आता है आपके एक वीडियो में जिसमें मॉर्निंग वॉक का वीडियो है और वो आप उतरते हो और आपके तो बेंजी में पकड़ रही है. मतलब मुझे ऐसा लगा यार दीज आर द वुमेन आई सी अराउंड इन द पार्क. एक्जेक्टली. सो दैट इज कमेंडेबल. सो डू यू हैव लाइक अ कैलेंडर इन प्लेस कि हम लोग इस दिन अपलोडिंग डे होगा हमारा, ये ऐसा ऐसा होगा? एक टारगेट हम बना लेते हैं. ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डेट है, बट या हम लोग अगर कोई फेस्टिवल आने वाला है तो हम सोचते हैं कि उससे थोड़ा पहले डाल दें वीडियो. या फिर इट्स लाइक मंथ में एक वीडियो तो जाएगा ही जाएगा. तो बीच में आ जाए या एंड में आ जाए, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है. हाँ, कोई डेट पर्टिकुलर नहीं है क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में क्रिएटिव पीपल की क्रिएटिविटी कब चले थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है. स्पेशली अब जब वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ा दी है हमने. हाँ. एंड वो हमने ऐसे नहीं सोच कर जान के बढ़ाई कि अब तो बड़ी वीडियोस बनानी है, अपने आप ही हमसे बन रही है बड़ी वीडियो. आजकल हर बार यही बोलते हैं यार छोटी वीडियो बनाएंगे इस बार कि जल्दी शूट हो जाए, जल्दी डल जाए. लेकिन नहीं, हम लिखते जाते हैं शूट कर लिया, फिर एडिटर से पूछते हैं कि कितनी टाइमलाइन कितनी बड़ी है. इज लाइक 30 मिनट्स. हम 30 मिनट्स ये तो हमने छोटी बनाई थी वीडियो. अच्छा, एक बात बताइए कि यू हैव सीन योर शेयर्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स. ठीक है, सक्सेस सबको दिखाई पड़ती है, उसके पीछे जितने एफर्ट्स लगे हैं, जितने पापड़ वेले हैं, कितनी रातें आप रोए हो, कितनी रातें आप नहीं सोए हो. व्हाट इज द बिगेस्ट लाइफ लेसन दैट यू हैव लर्नड सिंस 2018 जब से आपने ये कंटेंट क्रिएशन में अपने पाँव रखे हैं? बिगेस्ट लेसन इज फेलियर तो होगा. हाँ, इवन बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब हमने कितनी चीज़ें करी हैं एंड हम हर चीज़ में कोई सक्सीड नहीं हुए हैं. तो आप फेलियर से डरो मत, वो भी ना आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो कि आपको आज काम आएगा और वो ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा. जो हमारी वीडियोस में लोग कहते हैं ना इतने आपको एक्सपीरियंस कहाँ से है, तो वो जो हम चीज़ें हमने करी हैं, जैसे पायल वॉज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आई वॉज अ वास्तु कंसल्टेंट, मैंने फुटवेयर डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है एंड योगा ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दैट. तो ये जो हमारी लाइफ का अलग अलग फील्ड का एक्सपीरियंस है वो काम आता है. एंड मूव ऑन करना चीज़ों से, कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है, आपको लगता है कि अच्छा अब तो ये बैड फेज हो गया है, अब इसमें ही पड़े रहना है, ऐसे नहीं है, उससे आप आगे बढ़ो. और जो सब कुछ बुरा ही नहीं होता है, कभी कभी कुछ गलत हो रहा होता है ना तो उसमें भी कुछ अच्छा हो रहा होता है. कि वी आर लर्निंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस. हमें लगता है कि यार ये क्यों हुआ हमारे साथ, सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए था जब मेरा पुराना चैनल नहीं चला. कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, एंड इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है. एंड वहाँ कुछ लोग हैं जो कि ऐसी अजीब अजीब सी वीडियो, मतलब
बोलना नहीं चाहिए बट उनके व्यूज मिलियंस मिलियंस में आ रहे हैं बट यू डोंट हैव टू कंपेयर योर जर्नी विद अदर पीपल क्योंकि आप जो सीख रहे हो उस टाइम पे यू डोंट नो व्हाट्स गॉड्स प्लान इज आगे जाके आप कि क्या सक्सेस हो सकती है मे बी दैट वॉज नॉट मेंट टू बी एंड आई हैड टू बी लाइक पता ही नहीं था कि हम में डायरेक्शन स्क्रिप्टिंग ये वाला भी टैलेंट है इतनी एक्टिंग एंड इतना डाइवर्स कैरेक्टर्स प्ले करना मतलब हमने सोचा ही नहीं था कि हम मल्टीपल कैरेक्टर्स का भी प्ले करेंगे या हम स्क्रिप्ट लिखेंगे या हम डायरेक्ट करेंगे तो चीज़ें आप सोचते हो अपने लिए ये मैं एक चीज़ बन जाऊँगा बट गॉड हैज़ बेटर प्लान पहले आई वॉज जस्ट अ एक्टर कि हाँ भाई मेरा रोल अच्छा होना चाहिए आई एम द लीड वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए अभी आई एम लाइक स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए हाँ कि वो जब ऑडियंस देखे तो उसको मज़ा आना चाहिए तो प्रस्पेक्टिव चेंज हो गया है कि ऑडियंस को देखकर मज़ा आना चाहिए ना कि मेरा रोल मेरे डायलॉग्स बड़े होने चाहिए तो वो चीज़ शिफ्ट हो गई है ये सारे चेंजेस विद एक्सपीरियंस आते हैं एग्जैक्टली डेफिनेटली तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम एडिटिंग पे बैठते थे एंड इतना स्ट्रेसफुल प्रोसीजर होता था वो क्योंकि माइंड में है पिक्चर कि वीडियो ऐसी होनी चाहिए लेकिन एडिटर को कैसे बताएं तो कि वो भाई स्ट्रगल था एक हमारे लिए किसी और को अपना विजन बताना उससे अपनी क्योंकि आप हर किसी की वीडियो देखोगे अलग ही होती है उनका विजन है तो वो समझाना उसको पायल रो रही है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे वॉशरूम क्राइंग कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा तू मैं कह रही हूँ शांत हो जा मैं करवाती हूँ तू टेंशन मत ले नाउ और नाउ आफ्टर शूटिंग आवर वीडियोस हर शॉट में देखती हूँ बैठकर मैं डिसाइड करती हूँ कि हाँ ये वाला पार्ट अच्छा है यहाँ पे ब्लूपर ये अच्छा है कि थोड़ा काम तो खुद से भी करना पड़ेगा एडिटर ऑब्वियसली अपना काम करेगा लेकिन अगर हमारी तरफ से तो अपना टच आ जाता है चीज़ों में ओके इतने साल और इतना एक्सपीरियंस इनटू कंटेंट क्रिएशन आज की डेट में सिटिंग इन 2024 हाउ एक्सपेंसिव इज इट टू स्टार्ट अ करियर इन कंटेंट क्रिएशन आई थिंक आज के टाइम में आफ्टर रील्स एंड शॉर्ट्स का फॉर्मेट आ गया है बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है कि फ़ोन हर किसी के पास है जिसमें कैमरा है एंड तो आप अपने फ़ोन से ही ऐसी डे लाइट में बाहर आकर शूट कर सकते हो कंटेंट ज़रूरी नहीं है ऑडियो वाला करो बैकग्राउंड में कोई और भी आप लगा सकते हो सिर्फ टेक्स्ट लिख दो तो आज के टाइम में तो बहुत इजी हो गया है आई वुड से एंड देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स फॉर यू टू वॉच कि अरे ये भी कर रहे हैं ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं तो एग्जांपल्स भी अब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ही मिल जाती है अरे यार ये भी कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूं और इनफैक्ट पेरेंट्स को भी बताने के लिए हमारे पास एग्जांपल्स और ज़्यादा हैं कि देखो ये भी कर रहे हैं ये सक्सेसफुल हो गए हैं हाँ उनको भी मेहनत लगी हम भी कर लेंगे तो आज के टाइम में पहले से हो गया आई मीन हमने तो जब लॉन्ग फॉर्मेट बनाना स्टार्ट किया तो हमारे लिए तो था कि हमें पता था इसमें पैसा लगेगा एडिटर चाहिए डीओपी चाहिए एक्टर्स होंगे तो एक्टर्स भी चाहिए क्योंकि हर कोई पैसे लेता है कोई फ्री में काम तो नहीं करेगा ना तो यस आज के टाइम में तो काफी बदल गया शॉर्ट फॉर्म यस वो डिपेंड करता है कि आप कंटेंट कैसा बनाना चाहते हो अगर नॉर्मल कंटेंट है ऑफ कोर्स आप अपने फोन से शूट करके बना इवन ब्लॉगिंग यू सी यू डोंट हैव टू डू मच आप अपने फोन में एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो फोन से ही शूट करो एंड यू कैन एडिट आप ट्यूटोरियल देख सकते हो इजीली है थोड़ा बहुत कराए सब कुछ है यूट्यूब पर अच्छा एक और चीज़ जो मुझे जाननी है बिकॉज वी वर टॉकिंग कि आजकल सबके हाथ में फ़ोन है तो सबके हाथ में फ़ोन होने की वजह से ना काफ़ी कंटेंट ऐसा होता है जिसको हम क्रिंज कंटेंट कहते हैं ठीक है वी हैव 12-13 साल के बच्चे जो प्यार मोहब्बत की वीडियोज़ बना रहे हैं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी ये वीडियोज़ बना रहे हैं व्हाट्स योर टेक ऑन दैट मेरा पर्सनल टेक ये है कि यार वो भी कोई तो देख रहा है ऑडियंस तो उनकी भी है अब हम हमारे मुझे लगता है कि कई बार हम लोग उनका मजाक उड़ाने के लिए उनके वीडियो ज्यादा ही शेयर करते हैं सही बात है ऐसा भी होता है और फिर चल रहा है उनका बट द फैक्ट कि ऑडियंस को रिस्पेक्ट देना क्योंकि हम भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो हमें पता है कि हर किसी की अपनी ऑडियंस है पहले के टाइम में यूट्यूब को तो बॉलीवुड इतना वैल्यू ही नहीं करता था या कंटेंट क्रिएटर्स को वैल्यू नहीं करता था बट आज के टाइम में जब पीपल हैव सीन की कंटेंट क्रिएशन कहाँ पहुंच गया है उनकी वैल्यू क्या है नेशनल अवार्ड राइट तो चीजें बदलती हैं मेरा तो बस यही पर्सपेक्टिव है कि हर किसी की अपनी ऑडियंस है हम किसी को क्रिंज कैसे बोल सकते हैं मत देखो ओके सो वी हैव अ फन सेशन कमिंग अप हु इज मोस्ट लाइकली टू आपको बताना है आप दोनों में से हु इज मोस्ट लाइकली टू डू इट
Will it be Tina or will it be Payal? Okay. Spend all the savings on shopping. Payal. Definitely Payal. Payal, एक महीने में आप कितने पैसे खर्च करती हैं कपड़ों पर? Oh, good question. क्योंकि मैं कपड़ों पर ही खर्च करती हूँ. God. एक बार ना हमें हमारे YouTube की कम्युनिटी पे कमेंट करा किसी ने, मुझे तो लगता है आप अपने सारे पैसे कपड़ों में ही खर्च कर देते हो. Payal was like, ये बिल्कुल सही बात कही आपने. अच्छा, ऐसा किया आपने कि मतलब 4,000 की ड्रेस ली, मम्मी को बोल दिया अरे ये तो ऐसी 800 रुपए की सेल पे मिली थी? नहीं, मैं दिखाती ही नहीं हूँ, उठा के ले जाती हूँ. वो लोग भी देखते हैं क्या कपड़े लेते हो, कुछ समझ नहीं आता. स्पेशली रिप जीन्स. और फादर इज लाइक, मैं तुम्हारी जीन्स फाड़ दूंगा, मत पहनो. अच्छा, नेक्स्ट, हु इज मोस्ट लाइकली टू मैसेज देयर एक्स? None. Good. I'm proud of you girls. We are too. Go to a party in pajamas. Me. मैं तो कभी नहीं. Yeah, yeah. Okay. Who's most likely to block someone after the first date? Me. You? Yeah, yeah. Okay. Yeah, both of us. Both. Yeah. Who's most likely to skip bathing on a lazy day? Me. Yeah. Get married first. I hope you. मैं बड़ी हूँ इसलिए. Okay, who's most likely to fail a lie detector test? Payal. क्यों? पता नहीं, ऐसे मुझे ऐसे लगा तो मैंने बोल दिया कि कर सकती है Payal, झूठ बोल सकती है ऐसे. Who's most likely to cancel on plans last minute? अयो, Payal ही है ये तो. हाँ, मतलब मेरा मन करेगा लेकिन मैं वैसे बोलूंगी नहीं, चली जाऊंगी. अच्छा, get offended by a joke? Me. है ना? Yeah. वैसे भी छोटे भाई बहन को बेइज्जती झेलने की आदत होती है. Exactly. Okay. Who's most likely to start a clash in the house? मैं ही हूँ. मैं ही हूँ. Okay. मैं ही हूँ. Who of you is the best daughter of the house? Oh. आपका एक मुंबई एक्सपीरियंस भी रहा था जो बहुत टॉक्ड अबाउट है. यू नो, यस आई नो इट. एंड आई हैव सीन द वीडियो, आई हैव रेड इट्स कमेंट्स. हाउ वाज द मुंबई एक्सपीरियंस फॉर यू गर्ल्स? सो फर्स्टली, वी लव मुंबई, दैट इज व्हाई वी मूव्ड टू मुंबई. बट मिक्स्ड एक्सपीरियंस, काफ़ी चीज़ें थी उस टाइम पे. हम इतना बाहर गए हैं, इतना सोशलाइज हुए हैं जितना हम अपनी लाइफ में नहीं हुए थे. एवरी डे वी वर गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल. बट अपनी बिल्डिंग में कभी कभी होता है ना, आप गलत लोगों से भी टकरा जाते हो. तो द प्लेस वी रेंटेड, वहाँ पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे कि हमें बैचलर बोलकर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. FIR कर देंगे कि यहाँ पे बैचलर्स रह रहे हैं. आप किस एरिया में रहते थे मुंबई के? अंधेरी वेस्ट. ओके. तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई थी कि उन, इवन दो वी आर सिस्टर्स एंड हमने उनको समझाया भाई हम जैन फैमिली है एंड वी आर लाइक फैमिली पीपल एंड हमारे पेरेंट्स भी आ गए थे तो भी प्रॉब्लम हुई. एंड देन हमारे ओनर भी थोड़े हमें ग्रीडी टाइप बहुत ज़्यादा मिल गए थे. एंड मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम शूट नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर, क्योंकि हम काम ही, आप कोई भी आ रहा है तो दे आर लाइक नॉट अलाउइंग दैट पर्सन. तो हमें ये था कि हमारे टाइप के शूट में ये नहीं एक बंदा सिर्फ कैमरा लेके आया और हो गया. वी नीड टीम, वी नीड एक्टर्स, और दो चार लोग तो हमें चाहिए होते हैं ना. तो वो प्रॉब्लम जो हमें लगा, इसलिए वी हैड टू लीव इट. उसमें हमें लॉस भी हुआ, हमारे सिक्योरिटी मनी गई हमारा. यू डिड नॉट गेट योर सिक्योरिटी बैक? नो. एंड हाउ मच वाज इट? इट वाज 3 लाख. ओह माय गॉड. एंड हमारा 2 मंथ का रेंट भी गया. बट इट वाज अनदर 95,000 फॉर ईच मंथ. या तो वो तो चलो हम ठीक है, एक महीना हम रहे, एक महीना हम तो वापस ही थे, आधा ही टाइम थे मुंबई तो. बट चलो ठीक है, हमें ये था कि इतना मेंटली टॉर्चर हो गया था ना कि आने का ही मन नहीं करता था. वहाँ घर पे जाने का मन नहीं करता था. मैं बाहर बैठकर, हम ना कैफे में बैठे हैं और मैं रो रही हूँ. एंड वी आर होमली पीपल, वी लाइक टू बी एट होम, रिलैक्स, चिल एंड वर्क. एंड वहाँ पे ऐसे घर जाने का मन नहीं करता था कि घर से बाहर निकलो जल्दी से. यहाँ did you guys not try कि कहीं और घर ढूंढ लेते? We tried a lot, but फिर
पेरेंट्स ने घर पे बुला लिया वापस दिल्ली कि नहीं नहीं मम्मी को तो वैसे भी ये डिसीजन हमारा समझ ही नहीं आ रहा था कि हम मुंबई गए क्यों है तो शी वाज लाइक नहीं नहीं वापस आ जाओ एक बारी तो तुम वापस आ जाओ फिर देखना तो फिर उसके बाद हमें भी लगा कि यार काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो कि रुक रहा है हमारा तो हमने कहा ठीक है लेट्स फोकस ऑन वर्क। अच्छा ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि दिल्ली और मुंबई में आप लोगों के लिए क्या बेहतर है, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दिल्ली बेहतर है। दोनों शहरों की एनर्जी ही अलग है, वाइब अलग है, वाइब अलग है। मुंबई में इट्स लाइक आप ना शांत बैठ नहीं सकते, आपको खुद भी अगर आप खाली बैठे हो लगेगा यार मैं खाली क्यों हूं, मुझे कुछ काम करना है। मुंबई के कि काम करो काम करो ऐसे वाली एनर्जी है वहां की। एंड दिल्ली इज लाइक अच्छा मुंबई के बारे में कहा जाता है कि कई बार होता है कि मुंबई फर्स्ट टाइम में एक्सेप्ट भी नहीं करती है लोगों को, यू हैव टू रीविजिट द प्लेस अगेन, डू यू थिंक ये आपके साथ होने वाला है, प्लानिंग टू रीविजिट? हो सकता है, आई डोंट नो, बट वी हैव मेट वेरी गुड पीपल, लाइक अगर हम मुंबई शिफ्ट नहीं होते तो हमें एक बहुत लाइफ टाइम अच्छी फ्रेंड नहीं मिलती हु हेल्प्ड अस अ लॉट। वाज इट तान्या? आई डोंट रिमेंबर, तमन्ना, आई रिमेंबर द टी से नाम था। या सो कभी लाइफ में क्या कौन कहां टकरा जाता है पता नहीं होता है, तो आई थिंक कुछ बुरे में अच्छा भी होता है। ओके बिकॉज आप दोनों एक साथ काम कर रहे हो, एक चैनल में काम कर रहे हो, एक दूसरे के साथ सारे ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में आप लोग नजर आते हो, सो एज क्रिएटर्स एंड क्रिएटिव पीपल कई बार होता है कि आपके इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि यार तुम जो कह रही हो इट्स गुड, सुनाई मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो व्हेन यू फेस दैट कॉन्फ्लिक्ट कि कभी ऐसा आ जाता है कि क्योंकि हम लोग ऑफिस में भी काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके जो बेस्ट बड़ी हो आपके बगल में बैठा हुआ और आपको लगता है यार ठीक है मगर आई एम नॉट इन सिंक, चलेगा नहीं यार, चलेगा नहीं या मुझे लग नहीं रहा है, मेरी फीलिंग नहीं आ रही है, सो हाउ डू यू जस्ट डील विद दैट ब्लॉकेज? सो व्हेन वी आर राइटिंग द स्क्रिप्ट ऐसा होता है कि टीना सेज कि ये लिखना चाहिए एंड मुझे समझ नहीं आता कि मैं फिर इसको कम्युनिकेट ही करती हूँ उस चीज़ को कि ठीक है लेकिन तू बोलना क्या चाह रही है, इससे इसका मतलब क्या है, उसके पीछे की रीजनिंग मैं जानना चाहती हूँ। ऐसे ही मेरे साथ होता है जब मैं इसको कोई पॉइंट बता रही हूँ, शी इज लाइक हाँ लेकिन क्यों, समझ नहीं आ रहा क्यों डालना है ये क्या है, तो फिर मैं इसको रीज़न बताती हूँ कि हाँ बचपन में ऐसा हुआ था तो वो आइडिया यहाँ से आ रहा है, देन शी गेट्स इट कि अच्छा ये नॉस्टैल्जिक वाली वाइब है इस सीन में, तो वो इजी हो जाता है जब हम ऐसे कम्युनिकेट करते हैं। एंड कभी कभी होता है कि शूट पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि कैमरा एंगल यहाँ से लेना चाहिए एंड आई एम सेइंग कि नहीं यार इस साइड से लेना चाहिए, फ्रंट होना चाहिए, शी इज सेइंग कि नहीं यार यहाँ से, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक बार शूट पे हुआ भी था, आउटडोर शूट था एंड देन अनदर एक्टर वॉज देयर, ही वाज लाइक कोई बात नहीं, व्हाट वर्ड ही यूज, क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट समथिंग लाइक दैट, या तो वी वर लाइक ये अच्छा वर्ड है यार, हो सकता है वरना हमें लग रहा था हम शूट पे लड़ रहे हैं ऐसे, लोगों को कैसा लग रहा होगा कि दोनों बहनें लड़ भिड़ गई, बट वो एक वर्ड था ना कि क्रिएटिव डिफरेंस, तो वो हमें अच्छा लगा कि हाँ यार सही बात है, बस क्रिएटिव डिफरेंस है, होते हो जाता है वो लेकिन ज्यादा नहीं होता है, हम दोनों का ही मिक्स कर लेते हैं ऐसा कुछ कि उसकी बात भी मान लेते हैं मेरी बात भी, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पायल को बोलती हूँ नहीं ये डायलॉग नहीं लिखना है, तो पायल फिर भी लिख देती है चुपके से और फिर शूट के टाइम पे बोल देती है। पर कभी कभी होता है कि इम्प्रोवाइजेशन हो जाती है, लिखा नहीं है स्क्रिप्ट में, आइडिया आ गया कि हाँ यार ऐसे करना चाहिए, या डीओपी ने कुछ आइडिया दे दिया है, शी इज लाइक मैं नहीं बोलूंगी ये फालतू चीज, मैं बोल देती हूँ, मैं बोलूंगी फिर, और फिर मैं बोल देती हूँ जबरदस्ती घुसा देती हूँ, फिर वो अच्छा भी लगता है। ओके आपके प्यार मोहब्बत की तो बातें हम लोग सुन रहे हैं, आई वॉन्ट टू नो कि आपको अपनी लास्ट बियर्डेस्ट फाइट कौन सी याद है, जो आप दोनों ने या तो लड़ा हो या तो एक दूसरे के ऊपर तकिए फेंके हो, सामान ऐसे उठा के फेंक दिया हो कि मुझे नहीं बात करनी है, आईना मेरी लिपस्टिक मत लगा लेना, एनीथिंग लाइक दैट? तो बहुत बार होता है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं ऐसे तो हमारी। अभी हम ना लास्ट शूट कर रहे थे, उससे पहले मैं रो रही थी बैठ कर, और मोस्टली ऐसा होता है हमारे साथ हर शूट से पहले कोई ना कोई तो रोता है, तो मैं रो रही थी, आई वाज लाइक दिस इज एग्जॉस्टिंग, हमारा शूट है कल एंड अभी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, वी वर स्टिल वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, आई वाज लाइक यार इतना स्ट्रेसफुल हो रहा है, को भेजनी थी अगले दिन वीडियो स्क्रिप्ट हमें, हाँ 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 राइट, एंड शी वाज क्राइंग, तो हमारी मेड ने मम्मी पापा को बता दिया, तो मम्मी पापा एंटर्ड एंड दे आर लाइक कि क्या हो गया बेटा क्यों रो रही है, और मैं चुपचाप बैठ के ऑब्जर्व कर रही हूँ,
इसका सारा सिनेरियो, शी इज सेइंग मैं नहीं रो रही रोते रोते, मैंने टीम पर मेरे को स्क्रिप्ट का आइडिया आ गया, उससे पहले कुछ भी आइडियाज नहीं आ रहे थे, एंड शी पुट दैट इन द फ्रेम। इसको बता रही हूँ, टीना मेरे को ना आइडिया है, एक लड़की है वो ना रो रही है बहुत, एंड उसका कल एग्जाम है, उसके पेरेंट्स रूम में आ जाते हैं, एंड शी इज लाइक कहाँ से आएगी आगे तुझे, तो ऐसे ही चीजें हो जाती हैं। मुझे जानना है, जब ऐसे मतलब आई होप आप लोगों ने एक दूसरे के बाल नोच की लड़ाई नहीं की हो। हमारी ना वैसी वाली लड़ाई नहीं होती है, हाँ। कि ऐसे मारनम कुट्टी टाइप की बातों वाली होती है कि मैं बात नहीं कर रही हूँ इससे, या ये मुझसे बात नहीं कर रही है, देन वी विल बी लाइक क्या हो गया तुझे, एक दूसरे दोनों में से एक दूसरे को सरकास्म कौन ज्यादा देता है? मैं पल बात ही नहीं करती सीधा। ये बड़ी बहनों का कुछ होता है, I have an elder sister, so anytime she is also angry with me, she won't talk at all. हाँ हाँ, है ना? तो she will go quiet. But she is scary. The younger ones are scary. ये अपनी eyes से ऐसे देखते हैं और या मेरी वाली तो मुझसे बहुत बड़ी, मैं तो आँखों से भी नहीं देख सकती, वो बाहर निकाल देगी। She's like she stops talking to me. कभी कभी मैं इसको बोलती हूँ यार मेरे को ना जिम जाना है, जिम जाना मेरे लिए जरूरी है। We have to work, we have to script. Middle of the day she is like, अब मैं जिम जा रही हूँ, उससे पहले फोन यूज कर रही थी बैठ कर, तो आई एम लाइक फोन मत यूज करती, पहले चली जाती जिम। तो ऐसी वाली डेली वाली तो होती ही रहती है हमारे, जिसमें हम एक दूसरे से एक घंटा कोई बात नहीं कर रहा है, बट फिर वापस आ जाएंगे, कुछ दिखाएंगे, ये वीडियो देख, या कोई वीडियो रील भेज देंगे एक दूसरे को, हाँ। तो फिर वो बात स्टार्ट हो जाती है दोबारा। ओके, व्हाट इज दैट वन क्वालिटी जो आप एक दूसरे की बोरो करना चाहोगे? टीनास सिक्योरिटी विद हरसेल्फ एंड कॉन्फिडेंस, शी डजंट टेक बुलशिट फ्रॉम पीपल। अच्छा, शी कम्स अक्रॉस एज अ पर्सनालिटी लाइक दैट, व्हेन यू सी हर शी कम्स अक्रॉस एज अ पर्सनालिटी लाइक दैट, मुझे वैसा बनना है। लाइक मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, फिर घर जाके मेरे को रियलाइज होता है उसने मुझे ऐसे बोल कैसे दिया, फिर मैं सोच रही हूँ मेरे को ये बोलना चाहिए था, मेरे को ये बोलना चाहिए था, तो मेरे साथ ऐसी वाली सिचुएशन होती है। सो या हर कॉन्फिडेंस, एंड आई वॉन्ट हर दिस क्वालिटी की जो मुझे करना है मुझे करना ही है, फिर तो मैं ना मम्मी की सुनूंगी, ना पापा की सुनूंगी, ना टीना की सुनूंगी, किसी की भी नहीं सुनूंगी। मुझे जिम जाना है तो मुझे जाना ही है। मुझे चैनल करना है स्टार्ट तो करना ही है। तो दैट काइंड ऑफ क्वालिटी, वो एक पैशन वाली होती है ना कि डिटरमिन्ड, या डिटरमिन्ड कि भाई ये करना ही है, फिर तो किसी की नहीं सुननी, वो वाली क्वालिटी यार। ओके, आई हैव अनदर रैपिड फायर फॉर यू गाइस, यू विल हैव टू टेल मी, what is that one best thing that has happened to you in 2024 so far? So last year we were working with other agency, we joined, but abhi is saal se we are again doing it individually, so that is the best thing we are, you are asking in 2024 this year. So is saal to yahi hai ki we are again ourselves and we are able to be ourselves, fly glow, high, glow, be happy, do whatever we want to do. Huh. So that is the best thing for me. Payal? I have started to like give answers to people in real life. Yeah, she has. Oh, great. Yeah. What is that one song on loop on your phone that you have been listening to over and over again? Nonsense by Sabrina Carpenter. Positions. Oh my god. Yeah. Okay, what is that one thing that you love, hate and tolerate about each other? I tolerate her anger. Badi behan se ye baatein sunne ko milni hai. Hai hai. I love her nature. That's amazing. Wow. And love, hate and tolerate. And I hate her लेजीनेस। अगर इसने डिसाइड कर लिया अब इसको सोना है, इसका स्पेक्स निकल जाएंगे, एंड देन शी विल स्लीप इन द मिडल ऑफ एनीथिंग, शी विल जस्ट स्लीप। ओके, नींद इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, फॉर यू, आई लव पायल की डिटर्मिनेशन लाइफ को लेकर, जो करना है वो करना वाला एटीट्यूड। आई टॉलरेट पायल stubbornness, sometimes she is like too stubborn to listen to my ideas, main kuch samjha rahi hoti hu and
she's not listening to me. She's actually thinking about what she has in her mind. तो मुझे वो 10 मिनट का एक घंटा कभी कभी लग जाता है उसको समझाने में कि मैं पॉइंट क्या बोल रही हूँ. तो दैट आई टॉलरेट एंड व्हाट आई हेट दिस ऑल्सो आई टॉलरेट बट सिंस दीज आर थ्री कैटेगरीज पायल्स क्लमजीनेस कि पायल को एक आउटफिट पहनना है वो 10 निकालेगी और पूरा जगह फैला देगी घर में ये एवरीवेयर. तो वो ओके व्हिच इज योर फेवरेट शॉपिंग स्पॉट इन दिल्ली मॉल. एक तो नोएडा का डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया देन साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक दीस टू प्लेसेस वी गो. एंड व्हिच इज योर फेवरेट फूडिंग स्पॉट इन दिल्ली. फूड घर का खाना घर हमारी बाकी तो बाहर का तो खाना हर जगह अच्छा ही ऐसे ही अच्छा यूट्यूब नहीं कर रहे होते तो व्हाट वाज योर बैकअप प्लान. देयर वाज नो बैकअप प्लान. बैकअप प्लान्स तो कर लिए थे. आई हैड बैकअप प्लान. आई वाज डूइंग न्यूमरोलॉजी एंड तब मुझे डिसाइड हुआ यार ये दो पैर दो नाव में रख के नहीं हो पाएगा अब तो एक बार चूज करना पड़ेगा. हां बहुत हो गया. ओके हु इज योर फेवरेट क्रिएटर. Favorite creator beside us? Yes. A lot of people. Maybe if you can name some. I don't. Abhi yaad nahi aa raha mujhko. I used to watch mostly Sane's videos. Yeah. Before we even started. So I think wo kahin na kahin ek motivation aur inspiration bhi wahan se hai ki she's a girl. She's doing it. Yeah. तो मे बी जब हमने अपना स्टार्ट किया तो वो सेंस ऑफ कि हम भी गर्ल्स हैं हम भी कर सकते हैं वो उससे इंस्पिरेशन आई तो आई वुड नेम हर. ओके पायल. आई वॉच दिस फॉरेन क्रिएटर्स व्लॉगिंग एंड देन सम मॉडल्स दे शेयर देयर डाइट एंड ऑल ऑफ दैट. पायल इज इनटू दैट कंप्लीटली तो मैंने वो देखती है. ओके कोई ऐसा क्रिएटर जिसको अनफॉलो कर दिया. I can't name. ये तो controversy हो जाएगी. मतलब ऐसे ना होता है कि इस field में ना आप ऐसे लोगों से भी encounter करते हो जो कि आपसे बात सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि उनको फायदा हो रहा है. और वो vibe आ जाती है उनसे मिलके कि वो आपसे अच्छे से बात करेंगे. I'm your big sister ये और वो but then बाद में कुछ भी नहीं. You'll text them, they won't reply or anything. Then you have to unfollow that person. Okay. या ऐसे ही सिचुएशन होती है कि आप रियल लाइफ में मिलते हो उनसे वो एकदम अलग होते हैं अपनी सोशल मीडिया से. हाँ, जो वहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं रियल लाइफ में चलो अच्छा लगा एंड देन दे आर कोल्ड ऑन द इन कुछ और ही हो एंटायरली. ओके व्हिच इज द लास्ट फिल्म दैट यू हैव वॉच्ड इन थिएटर. ये हमने देखी थी ना ड्यून पार्ट 2. वो तो हमने घर में देखी थी. नो वी वेंट टू सेलेक्ट. या इट वाज अमेजिंग. योर फेवरेट एक्टर. देयर आर सो मेनी. अब भी कल ही हमने घर पे ओपेनहाइमर देखी है तो किलियन मर्फी यार ही इज अमेजिंग. ग्रेट. ओके व्हिच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू ओन जो अपने पैसे से आपने खरीदी. हमारी कार. ओके हु इज योर रोल मॉडल. क्योंकि हो सकता है आपको व्यूज मिल जाए उस चीज़ से लेकिन आफ्टर सम टाइम यू गोना रिग्रेट कि यार अब यही करना पड़ रहा है एंड आई एम नॉट दिस पर्सन एंड देन यू आर स्टक इन दैट विशियस सर्कल. इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म फोकस ऑन लॉन्ग टर्म थिंग एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड व्हाट यू फील कनेक्टेड विद एंड कंसिस्टेंसी. क्योंकि ऐसा होता है कि व्हेन यू जस्ट स्टार्ट ना लोग ऐसे बोलते हैं अरे पैसा बहुत है तो पैसे के लिए वो स्टार्ट कर लेते हैं एंड देन एवरी सेकेंड डे पर ही देर लाइक यार व्यूज ही नहीं आए. 5 व्यूज आए मेरा एक सब्सक्राइबर है. तो ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग. हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो वी कैप मेकिंग कॉन्टेंट एंड कितना टाइम बाद व्यूज एंड पैसे आने स्टार्ट हुए. सो जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड डोंट रन आफ्टर व्यूज. आपको आपकी राइट ऑडियंस मिल जाएगी. ओके ठीक है.
मनी कितना है कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूब में, क्योंकि हमने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं कि यूट्यूबर्स बताते हैं कि इतना इतना पैसा है बट वो करेंसी चेंज कर देते हैं, है ना, तो आ रहे होंगे 1000 रुपए, दिखा देंगे कि यार 10 लाख आ रहे हैं मेरे पास। तो ये चीज हमने देखी है कि मैनिपुलेशन कर देते हैं लोग, जो ब्लाइंडली पैसे के चक्कर में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देते हैं। कई बार अपना अच्छा खासा चलता हुआ करियर छोड़ के सोचते हैं यार मैं भी यूट्यूब बना लेता हूँ, लोगों को बहुत आसान लगता है। प्रॉब्लम इज दैट पीपल फाइंड इनका तो बहुत अच्छा है, ऐसे बैठे इंटरव्यूज कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम है कि इसके पहले सेटअप लगने में, इसके बाद जब हो जाएगा पूरा शूट, टाइमलाइन पे डालना, एडिट करना। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आई थिंक प्लेटफॉर्म्स का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लाइक यूट्यूब जिस पे हम कर रहे हैं, यूट्यूब आपको वैसे देता है आफ्टर सर्टेन पॉइंट यू कैन मोनेटाइज योर वीडियोस, बट अगर आप इंस्टाग्राम क्रिएटर हो तो वो चीज वहां पर नहीं है। इवन दो अगर आपके मिलियन भी फॉलोअर्स हैं वहां पे तो इंस्टाग्राम से आपको पैसे नहीं आ रहे ब्रांड्स, यस, बट वो भी है ना कि आपको ब्रांड तो आनी चाहिए ना, एब्सोल्युटली जरूरी नहीं है कि सारे क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे सबको ही ब्रांड्स आ रही हैं। देन देयर आर बार्टर कोलैबोरेशंस, बार्टर में क्या होता है कि वो आपको शायद अपना प्रोडक्ट देंगे एंड उसके बदले में आपको उनको कंटेंट क्रिएट करके देना है, तो उसमें आप मनी तो नहीं बना रहे हो, आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड हो रही है बट यू आर नॉट मेकिंग मनी। तो देयर आर फ्यू थिंग्स कि आपको पहले स्टार्ट करते टाइम, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो पहले से, तो ये सोचना चाहिए कि साइड बाय साइड आई फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन, जब मेरी जस्ट लीविंग इट कंप्लीटली, क्योंकि उसमें मेहनत है, आपको टाइम लगेगा बिल्ड करने में अपनी प्रोफाइल, अपने व्यूज, अपनी ऑडियंस, एंड देन यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी ऑन दैट। मगर तभी अगर लमसम, ओके, आई आस्क यू गर्ल्स, व्हाट इज एन अप्रोक्सीमेट अमाउंट दैट यू गाइस आर मेकिंग जस्ट फ्रॉम YouTube? Because your videos are doing absolutely amazing. Yeah. And you have a good fan base. So maybe not a final figure, but maybe annually या फिर quarterly, if you can share a figure, round figure, approximate figure. कर लेते हैं. It's good. It's good. Okay. Actually, बहुत difference हो जाता है. Every month का भी आपकी earning अलग होती है. अब जैसे हमने last year हमारा मेंटल स्टेट अच्छा नहीं था तो हमने वीडियोस भी कम डाले थे, तो हमारा लास्ट ईयर थोड़ा कम हुआ, पिछले साल नहीं था, टर्नओवर वाज वेरी गुड, मतलब अकॉर्डिंग टू एक एक्सपेक्टेड फिगर होता है ना कि हम स्पेस से चल रहे हैं तो हमने इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करी थी, या तो वो सब चीजें होती हैं, एंड देन ब्रांड कोलैबोरेशन उस पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। ओके ओके, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? ओह, I think biggest fear would be not doing what I'm here for, like living my purpose. कि वो रह गया कैसे भी करके, या कि वो जो करना चाहते हैं actually वो नहीं कर पाए, वो ही है fear कि कहीं ऐसा ना हो इन सब चीजों में ये भी करना है वो भी करना है, जो actually आप करना चाहते हो वो आप कर नहीं पाए। Okay, okay. You two are very beautiful girls. I want to know ki kaise aapko DMs aate hain, which is the most weirdest DM you guys remember. Phone number bhej denge. Hello madam, call. Confidence. Seedha number likh rahi hai. Call me now. These are the girls ko to bahut zyada aate hain is type ke DMs. Payal, thoda tareef bhi hoti hai. You're looking beautiful. थोड़ा, I can't agree to it. थोड़ा तो नहीं होती है। अरे there was this ना guy in my DM. मैंने ऐसे ही check किया DM तो ना बहुत सारी मेरी stories पे he's been having conversation with me. On his own. On his own. Hello, अच्छा आज क्या चल रहा है? पता नहीं क्या अच्छी लग रही हो? ये वो. I am amazed by consistency of these guys. Yes, I was like. Consistency amazing है यार इसकी, and he's having conversation पूरी। अच्छा आज नाराज हो गए मुझसे, मैं थोड़े दिन गायब हो गया। I'm like what? Delulu. Payal, anything for you? ऐसा कुछ? एक और है। हाँ हाँ। मेरा ऐसे mail आया था, रिश्ता। हाँ। कि आप दोनों भी बहने हैं। हम दोनों भी भाई हैं, सगे भाई, ऐसा कुछ? किसी बहन ने भेजा था। दोनों भाइयों का। हमारे भी भाई हैं, उनके पोर्टफोलियो भेजी है ना, लाइक अरे यार ये क्या हो रहा है। कल ही मैंने किसी का एक डीएम देखा था, यार फॉलो बैक तो कर दो। फॉलो बैक बहुत इरिटेटिंग कीड़ा है ना लोगों के।
अरे यार ये क्या है एटीट्यूड, मैंने क्या किया यार, मतलब आप फॉलो बैक ना दो तो एटीट्यूड है, कमेंट पे रिप्लाई ना दो तो एटीट्यूड है. This is a problem with girls. This is never ending. Okay. This is the last question. I want to know ki as female creators, do you think ki social media kisi bhi taur pe unsafe hai? Haan. Yes, it is. Especially for females and especially जब अब AI आ गया है तो आप तो अपनी पूरी life दिखा रहे हो. Your face is there. कोई भी कब हैक कर ले कुछ कर ले, you don't know and it is quite scary. But luckily जिन platforms पे आजकल हम हैं, दे हैव इंक्रीज द सिक्योरिटी एज वेल एंड उनका बैक एंड पे भी कस्टमर केयर बढ़ गया है देन बिफोर. एंड देयर इज वन थिंग दैट अब सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी अपनी ओपिनियन लिख सकता है. छोटे छोटे बच्चे आकर भी ऐसे बोल देते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ यू आर वेयरिंग. एब्सोल्युटली. तो उन्होंने हमारी वीडियोस में हमें देखा है साड़ी में, सूट हाँ. में, आंटी के गाउन में, सिंदूर में. तो अगर हम अपनी पसंद के कुछ कपड़े पहनते हैं, लाइक किस टाइप के कपड़े पहन रहे हो आप हाँ. पहले तो ऐसे नहीं पहनते थे, फेम के लिए सब कर रहे हो. लिए अब कपड़े उतरने लगे हैं, बट यार हम पहले भी ऐसे कपड़े पहनते थे, दैट इज अस इन रियल लाइफ जो कि हाँ. आप अब देख रहे हो. तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ती है क्योंकि यू नो योर रियलिटी, यू नो योर ट्रूथ. कभी कभी तो कोई ऐसे भी बोलते थे जो आपको नहीं जानता, हाँ लड़की हो तो ऑब्वियसली व्यूज तो आएंगे ही, बट ऐसा नहीं है, हम लोग लड़की बहुत पहले से ही है और बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं. एग्जैक्टली. अब जाके आने स्टार्ट हुए हैं. तो ऐसी चीजें कोई बोल दे आकर, जबकि आपको पता है आपने दिन रात कैसे मेहनत की है, रोए हो, खून निकला है शूट पर, भूखे प्यासे, तो मेहनत लगी है. ऐसा कोई लड़की होने का क्रेडिट नहीं है हमारे काम को. लड़की होने का कोई क्रेडिट नहीं है हमारे काम को बिल्कुल भी. हमने इनफैक्ट और स्क्रूटिनाइज किया जाता है. एग्जैक्टली. अब शूट पे वैसे भी अब इतने सारे लड़कों में सिर्फ एक लड़की होती है, देन यू हैव टू लाइक टेल देम कि थोड़ी कुछ तो फैसिलिटीज दो. लेकिन अब तो चलो गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं शूटिंग में एंड कंटेंट क्रिएशन में. पहले था कि सिर्फ मेल्स ही दिखते थे, बट व्हेन वी स्टार्टेड तब तो बहुत कम था गर्ल्स. बट आई विश यू गाइस मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप दोनों. कीप जस्ट राइजिंग, ग्लोइंग एंड ग्रोइंग. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग ऑन अनकट. इट वाज अ प्लेजर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड आई विश यू द सेम. कीप ग्लोइंग एंड ग्रोइंग. थैंक यू. इट वाज लवली टू हैव अ चैट विद यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. वी हैड पीना एंड वी हैड पायल विद अस. हम लोगों ने इनसे बातचीत की. आपने इनके वीडियो सब जगह देखे होंगे. आपको इनके वीडियोज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाते होंगे, दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस पे भी मिल जाते होंगे, फेसबुक पर, किसी और ग्रुप पर, आपके व्हाट्सएप चैनल्स पर. मतलब ये लोग छाए हुए हैं. आपको इंस्टाग्राम पर दिख रहे हैं लाजमी है, आपको यूट्यूब पर दिख रहे हैं तो लाजमी है, उसके अलावा दिख रहा है तो ये क्रेडिबिलिटी है इनकी. ऐसा रिलेटेबल कंटेंट है जो हर जगह फैल जाता है और आप हर जगह उसे कंज्यूम करते हो. इस इंटरव्यू को भी उतना ही प्यार देना. इनका कौन सा वीडियो आपका फेवरेट है वो मुझे कॉमेंट्स में बताते जाना. और जाने से पहले अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लेना.